सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट ऑन अल्फा गेमिंग YT। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर मैंने एक बाम्बू का फार्म बनाया था जो कि ओवरवर्ल्ड में, और अभी मैं एंड में हूँ। क्योंकि गाइस, आपको लोगों को पता होगा कि मैं एंड में क्यों हूँ, टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को पता चलेगा कि मैं एंड में क्यों हूँ। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ एक हनी का फार्म। और गाइस, हनी का फार्म मतलब मैं एंड में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस एंड, क्योंकि हनी का फार्म बनाने के लिए बेस्ट जो वर्ल्ड है वो एंड या नेदर है। क्योंकि गाइस एंड या नेदर के अंदर कोई भी दिन या रात नहीं होती, वहाँ पे एक ही टाइम रहता है और 20 जो वो 24/7 काम करते हैं। ओवरवर्ल्ड में भी आप लोग ये फार्म बना सकते हो, बट ओवरवर्ल्ड के अंदर फिर वही चीज़ रहेगी कि ओवरवर्ल्ड के अंदर आपको, ओवरवर्ल्ड के अंदर आइए तो फार्म है वो आपको अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर डे और नाइट होगी ओवरवर्ल्ड के अंदर, जो कि एंड में नहीं होती है। तो एंड या नेदर, नेदर में बना सकते हो, एंड में बना सकते हो, लेकिन नेदर में लैंड इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं मिलता, इसलिए एंड सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी आप नेदर में बना सकते हो, एंड में बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। तो गैस, मैं एंड में बनाने वाला हूँ। सारा का सारा आइटम्स मैंने कलेक्ट कर लिया है, जैसे आप लोगों को पता है मैं पहले सारा का सारा आइटम कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही बनाना शुरू करता हूँ। तो गैस देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए 8 बी हाइव। और गैस आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो बी हाइव्स हैं उनके अंदर 3 बीज होनी चाहिए, तभी आपका जो ये फार्म है वो वर्क करे। क्योंकि इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कि आप अपनी बीज को उसमें एंड डायमेंशन में ट्रांसफ़र कर पाओ, ठीक है। तो बी हाइव के अंदर ही आपको 20 लेके आनी है, तो हर एक बी हाइव के अंदर 3 बीज होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो इनको कलेक्ट करने में लगा था, बाकी सारी तो चीज़ें नॉर्मल है, बाकी सारी तो ऐसी ही मिल जाती हैं। और गैस, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मेरे पास, वूल थोड़ी फालतू पड़ी थी, तो मैं वूल को थोड़ा आजकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये रेड स्टोन डस्ट, हॉपर, ग्लास चाहिए, डिस्पेंसर्स चाहिए, डर्ट चाहिए, डर्ट जिसके ऊपर आप फ्लावर्स लगाओगे ताकि बीज जो है वो वर्क कर सके। उसके बाद कंपैरेटर चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए, स्लैब्स चाहिए, चेस्ट चाहिए, और थोड़े से और बिल्डिंग ब्लॉक्स और ग्लास बॉटल, ताकि जो फार्म है वो वर्क करता रहे। ग्लास बॉटल्स के अंदर ही आपकी जो हनी बॉटल्स है वो बनेंगी, और उससे आप फिर कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हो हनी बॉटल से, जब ब्लॉक ऑफ हनी एंड ऑल जो भी आपको क्राफ्ट करना है। तो चलो गाइस, जल्दी से फार्म बनाना करते हैं शुरू। तो एक सेकंड, पहले तो मैं अपना पीओवी ठीक करूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को ले लेना है चेस्ट और हॉपर। एक तो वैसे मेरा माउस भी पता नहीं ख़राब हुआ हुआ है, कल अचानक ही चलते चलते ख़राब हो गया था, तो इसलिए थोड़ा माउस पैड से खेलना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक डबल चेस्ट प्लेस कर देता हूँ, और डबल चेस्ट पहले तो गाइस मैं काम करता हूँ ना, मैं अपने फायर वर्क अंदर रखता हूँ, क्योंकि फायर वर्क का भी कुछ काम नहीं है। डबल चेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लगाने हैं 8 हॉपर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गैस ये 8 हॉपर्स लगा दिए मैंने, और गैस मैं इसको पीछे कहीं बना सकता था, बट मैंने कहा चलो यहीं से ही पास में रहेगा, यहाँ से आते हो ऊपर तो वो चीज़ थोड़ी सही रहेगी, पास में रहेगी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। तो ठीक है गैस, तो अभी क्या करना है ना, ये 8 हॉपर्स लगाने के बाद हॉपर्स के ऊपर आना है, और इनके ऊपर एक और लाइन ऑफ हॉपर्स लगानी है जो कि नीचे वाले हॉपर्स के अंदर फेस करती होगी, ठीक है। ऐसे ऊपर लगा दिया और हॉपर्स। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद काम है थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स का, तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक ये लगाना है, इसको आप एक टेम्परेरी ब्लॉक कंसिडर करो, और इसके बाद आप लोगों को लगाना है ये, ठीक है। और इसको ऐसे 2 ब्लॉक्स कर देना है, मतलब हॉपर रो से 1 ब्लॉक अवे आपको बनाना है 2x8 प्लेटफॉर्म। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बना देता हूँ ये 2x8 का प्लेटफॉर्म। देखो गाइस, ये 1 ब्लॉक का गैप बीच में रहना चाहिए, और ऐसे 2x8 एक प्लेटफॉर्म बना देना है। इसके बाद गाइस आप इस वाले ब्लॉक को तोड़ सकते हो, इस वाले ब्लॉक को ऐसे तोड़ सकते हो आप। इसके बाद गाइस, जो आपने ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया है वहाँ पे आप
को बाहर की तरफ फेस करते हुए लगाने का कंपैरेटर्स। तो मैं यहाँ से कंपैरेटर्स ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ पे बाहर की तरफ, अरे भाई चढ़ जाओ ऊपर, बाहर की तरफ को फेस करते हुए इसे 8 कंपैरेटर लगाने हैं जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है गाइस, तो ये मैंने ऐसे 8 कंपैरेटर लगा दिए। और अब कंपैरेटर्स के पीछे आप लोग लगा दो रेडस्टोन डस्ट, इसको यहाँ पे साइड कर देता हूँ। बस कोई एंडरमैन ना चेप हो जाए भाई, बहुत तंग कर दे। एक तो मैंने वैसे भी लाइट्रा पहना हुआ है, लाइट्रा पहना होता तो भाई इनका एक एंडरमैन का एक हिट 3 हार्ट का डैमेज हो जाता है भाई, इसलिए। अभी गाइस आगे क्या करना है वो चीज़ देखो, आगे आप लोगों को ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाना है। एक सेकेंड, और नीचे गिर गया फिर से। आप लोगों को अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने हैं, और कंपैरेटर के आगे 2 ब्लॉक चेप हो गए एंडरमैन। चलो भैया चलो उसको छोड़ो, शायद से नहीं हुआ। 2 ब्लॉक ऊंचा ये प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब 2 ब्लॉक ऊंची वॉल बनानी है कंपैरेटर्स के आगे। ठीक है गाइस, तो इतना काम तो देखो गाइस अपना डन हो चुका है। और इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद जो पीछे रेडस्टोन डस्ट है ना, सॉरी गाइस, तो उसको छोड़ो। अभी यहाँ पे जो रेडस्टोन डस्ट है भाई, तब से छींके नहीं आ रही थी, रिकॉर्डिंग करने बैठा तभी मेरे से सारी छींके आनी होती हैं। तो ये ऐसी आपको रेडस्टोन डस्ट के पीछे 1 ब्लॉक हाई लगा देनी है, एक वॉल। अरे हट जा एंडरमैन भाई। ठीक है, तो गैस अपना इतना काम भी हो चुका है। इसके बाद गैस थोड़ा ग्लास का काम है, तो मैं जल्दी से ग्लास ले आता हूँ। और ग्लास को लगाना है अपनी रेडस्टोन डस्ट के ऊपर। तो मैं, अरे ग्लास बॉटल नहीं चाहिए अभी, अभी पहले खाली ग्लास चाहिए। तो ये ऐसे ऊपर जाने के लिए जस्ट मैंने एक स्टेयर केस टाइप बना लिया है। अभी गाइस आपको ये रेड स्टोन को जो है उसको ग्लास से कवर कर देना है। ओके, एकदम परफेक्ट, ऐसे ग्लास लगाना है। और जो ये बीच का एक ब्लॉक का जो गैप बच गया उसको आप लोग फिल कर दो बिल्डिंग ब्लॉक से ऐसे। तो गाइज ये अपना काम हो चुका है। और इसके बाद गाइज जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना सबके ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगा दी ना सबके ऊपर। तो रेडस्टोन डस्ट मैं निकाल लेता हूँ पहले। अभी देखो कुछ इस तरह से लगानी है रेडस्टोन डस्ट। हाँ चलो गाइस, तो ये रेड स्टोन डस्ट लगा दी। इसके बाद गाइस हमारा आगे का फ्रंट साइड का जो काम है वो शुरू होता है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए डर्ट, तो ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से डर्ट। और डर्ट जो है वो यहाँ पे लगानी है जो सेकंड रो ऑफ हॉपर है उसके आगे। एक तो चेस्ट में जा रहे हैं हॉपर लाइन, और एक हॉपर लाइन जो है वो नीचे वाले हॉपर लाइन के ऊपर जा रही है जो सेकेंड रो हॉपर है उसके आगे लगा देनी है ऐसे 8 डर्ट ब्लॉक्स। और इसके बाद गाइस थोड़ा सा मुश्किल काम है बट करते हैं।
उसके बाद ये डिस्पेंसर चाहिए रहेगा, तो डिस्पेंसर लगाया है, ये एक ब्लॉक लगाया है ऐसे। अबे शिट भाई, क्या भाई, हटना एंडरमैन भैया थोड़ा सा। भाई इससे मैं कोई भी लड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं खुद ही भिड़ गया भाई यार। ठीक है, तो अभी हम कुछ डिस्पेंसर तो ले लेते ना मैंने। अरे भाई एंडरमैन ने कंफ्यूज कर दिया यार। छी भाई, तो यहाँ पे लगाना है ऐसे एक डिस्पेंस, यहीं पे लगाना है ना। एक बार कंफर्म कर लूँ, एक सेकंड गाइस। एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है वो ब्लॉक वॉल के ऊपर, और उसके बाद लगाना है डिस्पेंसर। तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे पीछे होना पड़ेगा, तो आगे को नीचे को फेस करना चाहिए, ये ऐसा लगाना है। यहाँ से लगाता हूँ, शायद लग जाए। आ, 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 कहाँ को फेस कर रहा है? ओके, नीचे को फेस कर रहा है एकदम पूरा। तो वैसे ही करके मेरे को यहाँ पे सारे के सारे डिस्पेंसर्स लगाते हैं। भाई ये क्यों आगे को फेस कर रहा है? अरे भाई ये क्या दिक्कत है भाई, डिस्पेंसर्स को भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा दिमाग खाने वाला काम को डिस्पेंसर्स का ही लगता है भाई। फिर नहीं लगा भाई, ओके बता दिया यहाँ पे। अरे भाई फिर एक बार सही लग गया, फिर दूसरी बार गलत लग गया। छी भाई क्या दिक्कत है, ये तो सही लगा है ना? हाँ ये एकदम सही लगा है भाई। क्या नूबड़ी बनती चल रही है डिस्पेंसेस की। ये सही लग गया, ये सही लग गया, मतलब भाई डिस्पेंसेस ने कसम खा रखी है अभी। या नहीं मतलब दो सही लग गए, तो कोई बात नहीं, अब तीसरा वाला तो भैया गलत ही लगेंगे हम। चलो ये भी सही लग गया, ये भी लग गया सही। थोड़ा सा पीछे होता हूँ भैया, भाई फिर भाई कैसे ठीक करूँ इसको, लग तो नहीं रहा यार ये। ओके लग गया, ये भी लग गया, सारे सही लग गए ना? ओके एकदम परफेक्ट लग गए सारे। डिस्पेंसर ने आधा दिमाग खराब कर दिया। इसके बाद गए जब हम अपन लोगों को करना है स्लैब्स का काम, तो मैं स्लैब्स ले लेता हूँ। और यहाँ पे लगाना है भाई, मैं परेशान हूँ भाई अपनी जिंदगी से भाई, मजाक चल रहा है। और यहाँ अपर पार्ट पे लगाना है स्लैब्स, और इसके बाद गाइस टेम्परेरी ब्लॉक्स जो है वो आप तोड़ सकते हो। ये वाला टेम्परेरी ब्लॉक तोड़ देता हूँ। और अबे भाई ये क्यों गिर दी मैंने? और पीछे जो लगाया हुआ था वो भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से दिन और कुछ काम होने वाला नहीं है। शेयर्स लानी चाहिए थी भाई, काम तो होल से करना है, शेयर्स लेके नहीं आया मैं। छी
अभी गाइस मेन काम आता है बी हाइव्स का। तो बी हाइव्स लगाने अभी मेरे को, तो जल्दी से बी हाइव्स पे लगा देता हूँ। और बी हाइव्स को लगाना थोड़ा सा लाइक जैसे जो स्लैब्स और स्लैब्स है ना उनके पीछे लगाना है बी हाइव्स को। हटना एंड्रॉन भैया, चलो चलो गाइस बी हाइव्स भी लग चुके हैं। इसके बाद गाइस स्लैब्स के अराउंड एक ग्लास डोम बनाना है। तो ग्लास में मेरे आयन भी वहीं पड़ा हुआ है, तो स्लैब्स के अराउंड जल्दी से ग्लास डोम बना देता हूँ। ओके एकदम परफेक्ट। तो गाइस थोड़ा ऐसा लगेगा ये बी फार्म ऐसा बनने के बाद, इसके बाद गाइस हमको चलना पड़ेगा दोबारा से ऊपर। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा ये ठीक कर देता हूँ, अच्छा सा पाथ बनाता हूँ भाई। शेयर्स आनी चाहिए थे कसम से। ये क्या हो गया? यहाँ पे ऊपर चलना है और जो डिस्पेंसर्स हैं उनके बीच में लगाने हैं हॉपर्स, मतलब उनके बीच में बोल रहा हूँ हॉपर्स लगाने हैं जो डिस्पेंसर्स के अंदर पॉइंट कर रहे हो, डिस्पेंसर्स की तरफ फेस कर रहे हो वैसे हॉपर्स लगाने हैं। एंडरमैन देखो भाई इतने सारे स्पॉन हो रखे हैं यहाँ पे। छी भाई, एक एक तो चेप भी हो गया। भैया एक हो गया चेप। किधर है भाई? दिख गया, आ जाओ ऊपर। टेलीपोर्टेशन का फायदा उठाते हैं अपने आप। डॉट चढ़ा के भाग रहा था नूबड़ा सा। हाँ तो चलो वापस आते हैं फार्म के ऊपर। तो अभी वापस से चलना पड़ेगा अपन लोगों को ऊपर से, मतलब ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर से बोल रहा हूँ ऊपर चलना पड़ेगा। और यहाँ पे लगाने हैं एक दो दो ब्लॉक्स ऐसे लगा दो। और फिर ताकि एक हेल्पिंग वॉल है गाइस अपनी बेसिकली, और इससे क्या करना है हमको जो आपने ये वॉल लगाई है इसके अंदर हॉपर्स फेस करते हुए लगाने हैं। और फिर इस वॉल को रिमूव कर देना है। गलती से मिसक्लिक हो गया भाई, तो माउस पैड से खेला भी नहीं जा रहा यार। अब पता नहीं नया माउस कब तक आएगा, तब तक तो ऐसे ही थोड़ा काम चलाना पड़ेगा भाई। ठीक है गाइस, तो ये ऐसा कुछ हॉपर्स लगा दिए। और इसके बाद जो वो लास्ट वाला हॉपर है ना उसके ऊपर हम अपन लोगों को लगानी है एक चेस्ट। तो और वो तो चेस्ट होगी ना, वो गाइस इनपुट चेस्ट होगी हमारी उसकी। ये हमारी है इनपुट चेस्ट ग्लास बॉटल्स की, ठीक है? तो इसके अंदर ही हम बेसिकली ग्लास बॉटल्स डालेंगे। तो वैसे अपना फार्म बस ऑलमोस्ट रेडी है और अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा है, बस जो ट्रैप डोर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ताकि जो ये एंडरमैन है, आप लोगों को पता है एंडरमैन को चोरी करने के आते हैं, डॉट चुरा लेते हैं। तो ट्रैप डोर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो वैसे ट्रैप डोर तो लाइन ये देखो यहाँ से एंडरमैन, ये देखो डॉट चुरा रखे थे एंडरमैन ने, बोला था इनको डॉट चुराने का, इन्होंने चुरा भी रखी थी। तो वैसे बस, और मैं ट्रैप डोर्स लाना भूल गया था यार। देखो ट्रैप डोर्स मेरे पास नहीं पड़े हैं अभी, तो ट्रैप डोर्स मेरे पास नहीं है, बस ट्रैप डोर मेरे को लेके आने पड़ेंगे। तो गाइस मैं काम करता हूँ यहाँ पे ट्रैप डोर ला के ट्रैप डोर लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। उसके बाद तो हम लोगों को उस फार्म को एक्टिवेट करने का ही काम करना है, ज़्यादा काम नहीं बचेगा। तो 2 मिनट दो आप मेरे को, बस मैं फटाक से ओवरवर्ल्ड में जाना पड़ेगा मेरे को, एंड वहाँ से ट्रैप डोर्स ला के यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है गाइस, तो 2 मिनट दो आप मेरे को बस।
तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ट्रैप डोर्स मैंने लगा दिए हैं, और गाइस ट्रैप डोर्स में पूरा का पूरा जो पार्टन है पूरा का पूरा कवर करना है, और ये साइड्स पे और इसके नीचे भी ट्रैप डोर्स लगाने हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये काम करना है। इसके बाद गाइस अभी बस हम और जो ये स्लैब्स है ये भी हमने इसलिए लगाए थे ताकि जो बीज जो है वो बाहर ना आ पाए और हमारा जो फार्म है वो मतलब फार्म बनने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो गाइस अभी अपना फार्म का मेन काम हो चुका है, अभी हम लोग ज़्यादा कुछ काम बचा है नहीं, तो अभी हम लोगों को केयरफुली ये जो स्लैब्स है ये तोड़ने पड़ेंगे, और ध्यान रखना है कि किसी भी बी को आप हर्ट ना करो। तो एक स्लैब तोड़ा, यहाँ से निकली बी, ठीक है गाइस देखो। ओके और गैस आप लोग इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाओ, लाइक फ्लावर्स वगैरह प्लेस करो जिससे इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो। अरे 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 भाई बाहर कैसे निकल गई सारी, अभी ये क्या हुआ, अभी यहाँ से एंडर मैंने डर्ट चुरा लिया। छी भाई अभी इन लोगों को गैस अभी ना मैंने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया एंडर मैन ने, तो मेरे को अभी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बस यहाँ पे गैस करना कुछ नहीं है, अंदर मेरे को एक भी लेके जानी पड़ेगी और उसकी ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, और ये सारी बीज जो यहीं पे ही घूमती रहेंगी। तो थोड़ा सा टाइम दो यार, इस एंडरमैन ने काम ख़राब कर दिया मेरा, थोड़ा सा टाइम दो बस। तो गैस जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो मैं बीहाइव्स यहाँ पे लाके दोबारा से लगा दिया है, भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। एंड पता है अच्छा हुआ कि मेरे पास लाइक घर में थोड़ी बहुत बीहाइव्स पड़ी हुई थी, मेरे पास घर में एक्स्ट्रा 3 बीहाइव्स पड़ी हुई थी, बट मेरे को फिर भी 5 बीहाइव्स एक्स्ट्रा लानी पड़ी। देखो गाइस मैंने ना क्या करा था, मैंने ना फार्म को पूरा का पूरा बना दिया, इसमें करना बेसिकली आगे कुछ नहीं था। देखो इतना काम करने के बाद ना ट्रैप डोर्स लगाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, क्राउच होके यहाँ पे ये जो हॉपर के हिट बॉक्सेज है ना, मतलब लाइक आपको एक ब्लॉक ऊपर उठना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने वो टेम्परेरी ब्लॉक से ऐसे एक लाइन लगाई हुई थी, और हॉपर के हिट बॉक्सेस में सेंटर पे क्लिक करना था आपको बस, ठीक है। अभी तो हनी बॉटल जा रही, वो ग्लास बॉटल जा रही क्योंकि मैंने लगाई हुई ना ताकि वो वर्क करे, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करना था जिससे जो हॉपर के हिट बॉक्सेस के थ्रू आपकी जो कॉर्नफ्लावर है वो यहाँ पे लग जाएंगी, ठीक है। और गाइस ब्रीडिंग मैंने आपको पहले भी कहा था, ब्रीडिंग कराने से पहले आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना कि आपकी जो बीज है वो बड़ी हो गई है, क्योंकि छोटी बीज जब वो ब्रीड करती है छोटी बीज यहाँ से उड़ के बाहर आ सकती है, ठीक है। तो अभी तो इनकी ब्रीडिंग हो रही है इस वजह से यहाँ पे छोटी बीज है, वरना मैं सारी की सारी बड़ी बीज ही लेके आया था, मतलब मैं पहले से ही बड़ी बीज लेके आया था, छोटी बीज तो मैं लाया ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीन है, और ये फार्म एकदम मस्त वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कैसे तेजी में हनी बॉटल जा रही है। अभी अभी गाइस जस्ट लिटरली मैंने जस्ट अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये वॉइस ओवर करने करते हुए कुछ सिर्फ 10 सेकेंड हुए हैं, मतलब लाइक पहले मैंने यहाँ पे बीहाइव ला के कॉर्नफ्लावर्स लगाए, एंड उसके बाद मैंने सारी ग्लास बॉटल्स फिल करी उस मतलब हाँ। तो इतना चलो बीहाइव लगाने के बाद तो फार्म एक्टिवेट हुए हुए आप मान के चलो 1 मिनट भी होगा, तो 1 मिनट के अंदर अंदर गाइस देखो 8 हनी बॉटल, बहुत प्यारा ये फार्म वर्क कर रहा है, और इससे बहुत अच्छी खासी हनी मिल सकती है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, मैं ये हनी फार्म बना लिया है, और गाइस अब ट्राई करेंगे कि अगली वीडियो में कुछ अलग से करें, क्योंकि मैं अभी ना फार्म्स बना बना के बोर हो गया हूँ। तो देखते क्या पता अगली वीडियो में भी कोई और अच्छा सा तगड़ा सा फार्म बनाए, या अगली वीडियो में कुछ और बनाए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ना 20 बाहर भी आ सकती है, बट उसकी कोई टेंशन मत लेना गाइस आप, क्योंकि ये अगर छोटी भी बाहर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी भी अगर बाहर है ना, वैसे बड़ी भी तो बाहर आ ही नहीं सकती, बट अगर बाई चांस एक आध भी बाहर आ गई तो आप टेंशन मत लेना, वो ब्रीडिंग के लिए वापस अंदर जाएगी, थोड़े टाइम बाद वो वापस अंदर चल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो छोटी बीज जो है यही बाहर घूम रही है, क्योंकि ये बाहर आ सकती हैं। 8 हनी बॉटल गाइस हो चुकी हैं, और 8 हनी बॉटल्स से अच्छे खासे बन जाएंगे ब्लॉक्स। तो ठीक है गाइस बस यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस वीडियो को शेयर करना, और गाइस ऐसे ही मैं लाता रहूँगा बढ़िया बढ़िया वीडियोस माइनक्राफ्ट की। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।